हार पराजय। विजयनगर था महान साम्राज्य। कक्षा सातवीं उड़ान चरण दो के तहत विषय सामाजिक अध्ययन पाठ इतिहास पाठ नौ के सभी कार्यपत्रक का हल करेंगे। कार्यपत्रक एक, आप विजयनगर के बाजार में घूमने निकले तो वहाँ क्या क्या देखते हैं, अपने अनुभव को शब्दों में लिखिए। किले व मंदिर के अवशेष मिलेंगे और जानकारी भी मिलेगी, वही जैसे विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने। विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, छह प्रांतों में। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की, बुक्का प्रथम ने। और भी जानकारी मिलेगी। वही विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, राय राय। विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था, पहला राजवंश संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था, अराविंदु वंश। विजयनगर के विस्तार और दृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, कृष्णदेव राय। विजयनगर राज्य की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है, विष्णु। विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था, बहमनी। विजयनगर साम्राज्य को निम्न स्थान युद्ध में करारी शिकस्त मिली, विजयनगर साम्राज्य को राक्षसी तागड़ी अथवा तालिकोट्टा में शिकस्त मिली, हार मिली, तो जानकारी मिली। कृष्णदेव राय पर टिप्पणी लिख देंगे। वही कृष्णदेव राय द्वितीय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। धीरे धीरे प्राचीन संगम वंश का अंत हो गया। इन परिस्थितियों में कृष्णदेव राय ने तुल्लु वंश की नींव रखी और स्वयं विजयनगर पर शासन करने लगा। उसने 1529 से 1529 तक शासन किया। उसकी मुख्य सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है, कृष्णदेव राय को विजयनगर के पुराने शत्रु बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों उड़ीसा का मुकाबला करना पड़ा। 7 साल तक कई लड़ाइयाँ लड़ने के पश्चात कृष्णदेव ने पहले उड़ीसा को कृष्ण नदी तक के क्षेत्र के सभी जीते प्रदेशों को विजयनगर को लौटाने के लिए विवश किया। इस प्रकार अपनी स्थिति को सुधार करके कृष्णदेव ने तुंगभद्रा दोआब के लिए पुरानी लड़ाई आरम्भ कर दी। इसका परिणाम यह हुआ उसके दो शत्रु ओडिशा और मिर्जापुर ने आपस में संधि कर ली, तो महान सम्राट था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य भवन निर्माण कला में महानवमी का डिब्बा क्या था, महानवमी का डिब्बा एक चौक संरचना है तथा हम्पी का एक अन्य लोकप्रिय आकर्षण है, जिसे राजा कृष्णदेव ने उदयगिरी पर हुई अपनी जीत वर्तमान उड़ीसा में है के बाद बनवाया था। यह प्राचीन स्थल हम्पी के शाही महलों में सबसे ऊंची संरचना है और अपनी इस ऊंचाई के कारण उसे आसपास के स्थानों से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यह स्थान अपनी अलंकृत नक्काशियों एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण सारे पर्यटकों के अवश्य देखे जाने वाले स्थानों की सूची में शामिल है। विजयनगर में कौन से शासकों के समय किस देश की कौन सी यात्री आई, देवराय प्रथम शासक थे, तब निकोलो कोस्टी आई इटली से। कृष्णदेव राय के समय बारबोसा आया, पुर्तगाली था ये। सब्सक्राइब एंड लाइक।